सो ही गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल एंड आई एम रियली सॉरी कि मैं इनएक्टिव थी यूट्यूब पे कुछ टाइम से बिकॉज मुझे थोड़ा काम था तो मैं बिजी हो गई थी. सो सॉरी. और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मुझे एक कमेंट का रिप्लाई करना था इस वीडियो में. कमेंट है कि कैन यू मेक मोर वीडियोज विद कनिका शर्मा लाइक मेकअप वीडियोज. सो मैंने इसका रिप्लाई कमेंट बॉक्स में इसलिए नहीं किया बिकॉज मुझे तो पूरी सिचुएशन बतानी थी. सो या मैं अभी बता देती हूँ कि मैं अभी मेकअप वीडियोज उसके साथ नहीं बना सकती बिकॉज मैं हूँ चंडीगढ़ में और वो हिमाचल में. सो और मेकअप वीडियोज बनाने के लिए हमें अभी साथ में होना जरूरी है जो अभी पॉसिबल नहीं है. सो मैं जब भी जाऊंगी तो मैं उसके साथ बना लूंगी. बट और वीडियो कॉलिंग पे भी हमने ट्राई किया था लेकिन उस पर भी नहीं बन पाए बिकॉज नेटवर्क इशू था बहुत. मतलब पूरी बनाई हमने थी, हमने किया था पूरा ट्राई बट वो ब्लर बन गई थी. वीडियो ब्लर बन गई फिर वो तो ठीक है बट उसके बाद वो ऑडिबल भी नहीं थी. सो इसलिए अभी वो वीडियो नहीं बन सकती. जब मैं हिमाचल जाऊंगी तो मैं पक्का बनाऊंगी. ओके सो ये बताना था मुझे. अब वीडियो स्टार्ट करते हैं. वीडियो में है गेट टू नो मी. क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको सब बताऊंगी. और कमेंट आपने ये भी किया था कि ऐसी इंट्रो डालना है तो आई थिंक आपको इस वीडियो में पता लग जाएगा. ये मैंने ऑलरेडी सोचा हुआ था कि मैं वो सॉन्ग की वीडियो के बाद ये वाली वीडियो बनाऊंगी. सो या लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो. सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं. ओके सो पहला क्वेश्चन है नेम. आई एम स्नेहल शर्मा. आप सबको पता है. और एज 19 इयर्स. और मैं नेक्स्ट मंथ 20 की हो जाऊंगी. और उसके बाद है साइन, ज़ोडियक साइन वर्गो. और हाइट 5'5". Okay, when is your birthday? 22nd November 2000. सब याद रखना, okay? उसके बाद है where are you from? I am from Himachal and I really, really, really proud to be Himachali because वहाँ की beauty is amazing. मतलब मैं जब भी hometown जाती हूँ मेरे को होम टाउन जाने से ज़्यादा मतलब ये रहता है कि मैं ट्रैवलिंग करूँ. मतलब व्यू देखने में ज़्यादा मज़ा आता है. बहुत ट्रैवलिंग करने में ये रहता है कि थोड़ा लॉन्ग अगर हो जाता है जर्नी तो फिर थक जाते हैं बट या व्यू देखने में बहुत मज़ा आता है, बहुत ज़्यादा. सो या ओके सो नेक्स्ट इज वेयर डू यू लिव. आई लिव इन चंडीगढ़. व्हाट डू यू डू. आई एम डूइंग BSc नॉन मेडिकल फ्रॉम डैश कॉलेज. ओके कॉलेज से नहीं बता रही, क्या पता कोई मिलने आ गए फिर, है ना. ओके सो व्हाट्स योर हॉबी. हॉबी एक तो आपको पता लग गई सिंगिंग और दूसरी डांसिंग. और व्हाट रिलीजन आर यू. हिंदू. ओके सो बेसिक क्वेश्चंस ओवर. उसके बाद अब आता है व्हाट्स योर फेवरेट. फेवरेट सबसे पहले है टीवी शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा. द बेस्ट एवर शो मींस दिस शो इज समथिंग दैट यू कांट इवन गेट बोर्ड आफ्टर सीइंग द एपिसोड्स अगेन एंड अगेन. सो या द बेस्ट एवर तारक मेहता का उल्टा चश्मा. बट ये था कि हाँ जब वो स्टार्ट हुआ था तब वो ज्यादा फनी होता था. अभी थोड़ा सा लो इंटरेस्टिंग सा हो गया बट अभी भी बेस्ट है कि ये मतलब ये तो है कि एपिसोड्स अगर देखने हो बार बार तो तब भी बोर नहीं होंगे बट पहले वाले शोज ज्यादा बेटर. आई मीन एपिसोड्स. ओके सो नेक्स्ट है मूवी. मूवी है मरजावा और कबीर सिंह. ओके और उसके बाद है सॉन्ग. सॉन्ग में एक गाना चूज नहीं कर सकती. मुझे बहुत से सॉन्ग्स मतलब जब न्यू सॉन्ग्स जो निकलते हैं फिर उस हिसाब से फेवरेट्स होते रहते हैं. सो सॉन्ग वैसे मैं बता नहीं सकती बट स्टिल मैं कुछ बता देती हूँ. 4-5 सॉन्ग्स. तुम ही आना और कबीर सिंह का सॉन्ग है कोई बेख्याली.
थोड़ी जगह और कौन सा है जो भी है इन दोनों मूवीज के, कबीर सिंह और क्या बोलते हैं, कबीर सिंह और कबीर सिंह और मरजावा, दोनों के सॉन्ग्स आर दी बेस्ट एवर. और पंजाबी सॉन्ग्स में एक्सपर्ट जट और दारू बदनाम आर दी फेवरेट. ओके, उसके बाद है कलर. कलर भी एक नहीं है मेरा, बट आजकल मैं बता देती हूँ, आजकल में मेरा फेवरेट चल रहा है वाइट. सो वाइट एक्ट्रेस है कियारा. उसके बाद है सिंगर भी अभी एक चूज नहीं कर सकते. दिलजीत सिंह है अभी, और बिलाल सईद है, और अरिजीत सिंह है, और अरमान मलिक, बस इतने ही है. उसके बाद फेवरेट मेमोरी मेरी दिल्ली की है. जो 2 years थे, 10th और 11th आर दी बेस्ट, बिकॉज वहाँ पे सारे मज़े करते थे. ट्यूशन होता था उस टाइम पे मेरा, तो मैंने बहुत मज़े किए उस टाइम. सो या दिल्ली की मेमोरी पूरी फेवरेट. मैं 4 years रही हूँ, उसमें से 2 years मेरे फेवरेट है. उसके बाद एक्टर टाइगर श्रॉफ और शाहिद कपूर फेवरेट. फूड शाही पनीर और जंक फूड में बर्गर पिज्ज़ा मोमोज और क्या होता है चाउमीन, सब कुछ ही फेवरेट्स, ऑल फेवरेट्स. उसके बाद है डू यू वाले क्वेश्चंस. ओके, डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? यस आई डू, आई हैव वन ब्रदर. इसके बाद मैंने वीडियो बनाई थी विस्पर चैलेंज, जिसने नहीं देखी है वो जाकर देख लेना. ओके, ऊपर आ जाएगा कार्ड अगर मैं इनको याद रहा डाल देगा. ओके, उसके बाद है बिलीव इन घोस्ट. डू यू बिलीव इन घोस्ट? मतलब घोस्ट में बिलीव, हाँ मैं करती हूँ. मेरे तो ऐसा होता है कि मतलब जैसे लाइट्स ऑफ कर दी रात को सोते टाइम, जो भी रूम में सामान होता है ना, वो सारा मुझे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कोई बैठा है. ये सामान ऐसा लग रहा है, ये सामान ऐसा, ये इस सामान की ये आँखें हैं, ये ऐसा. ओके, सो डू यू स्लीप विद द डोर ओपन और क्लोज? ऑब्वियसली क्लोज. डू यू लाइक योर सेल्फ? यस, मैं अपनी फेवरेट डायलॉग नहीं, आई लाइक माई सेल्फ. ओके, और नेक्स्ट और लास्ट राउंड है दिस और दैट. ओके, सो पिज्जा और टैकोस. पिज्जा, टी और कॉफी. टी मैं कभी नहीं पीती, नेवर एवर, और कॉफी भी नहीं पीती, बट अगर इन दोनों में से चूज करना पड़े तो कॉफी. फोन कॉल और टेक्स्ट, ऑब्वियसली टेक्स्ट. मेरे को बोलने में बहुत टेक्स्ट लगता है. मैं फोन कॉल नेवर. मतलब मेरे को ये रहता है कि मेरे को किसी की कॉल भी आ गई तो क्यों आ गई, टेक्स्ट कर देते. मेरा ऐसा है कि मैं टेक्स्ट में लंबे लंबे पैराज भी लिख के दे सकती हूँ, बट मुझे बोलना नहीं पसंद. मतलब कौन बोले इतना, और बोलने को मतलब अगर फोन कॉल आ भी गई, हाँ हाँ जी कैसे हो क्या कर रहे हो, बस इसके बाद कुछ नहीं पता रहता. तो क्या करना है फोन कॉल पर, उससे अच्छा टेक्स्ट कर लो, उसमें इमोजीज होता है, अगर कुछ बात ना हो करने को इमोजीज भेज दो या कुछ भी. और ऐसा रहता है कि टेक्स्ट में कुछ जैसे कुछ टेक्स्ट कर दिया, उसके बाद सोचने का टाइम मिलता है, तो उस मैसेज को बार बार देख के कुछ रिप्लाई याद आ ही जाता है कि हाँ ऐसा कर सकते हैं. बट फोन कॉल पे एक बार लग गए, हाँ बस, एक अगर टॉपिक खत्म हो गया तो उसमें सोचने का भी कुछ नहीं रहता है, फिर फोन कट. सो या टेक्स्ट. उसके बाद न्यू क्लोथ्स और न्यू फोन. न्यू क्लोथ्स, स्नीकर्स और सैंडल्स. स्नीकर्स कंफर्टेबल रहते हैं, सो या स्नीकर्स. विंटर और समर. विंटर. पेप्सी और स्प्राइट. पेप्सी. स्प्राइट मैंने पी भी नहीं है, पी होगी एक या दो बार आई थिंक सो, बट पेप्सी. फेसबुक और इंस्टाग्राम ऑल टाइम फेवरेट. इंस्टाग्राम. रिच फ्रेंड और लॉयल फ्रेंड. लॉयल फ्रेंड ऑब्वियसली. रिच फ्रेंड का करना क्या है, मेरे तो कोई है भी नहीं वैसे रिच फ्रेंड, जहाँ तक मुझे पता है मेरा कोई रिच फ्रेंड है भी नहीं और चाहिए भी नहीं. स्टे अवे. टीवी और बुक. क्या क्वेश्चन है, आई मीन क्या चॉइस है चूज करने को, टीवी और बुक. कोई बुक कैसे चूज कर सकते, हाउ
स्वेटर और हुडी स्वेटर या सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो आई होप यू गाइस एंजॉयड इट डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड सो सॉरी फॉर इनएक्टिव ऑन यूट्यूब मैं ट्राई करूंगी कि मैं एक्टिव रहूं तब तक के लिए आप सब्सक्राइब करो और जो वीडियोस नहीं देखे हैं वो देखो या और कीप सपोर्टिंग